हेलो गाइस, वेलकम टू टेलीवुड वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के शो चीकू की मम्मी दुर्गी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी हफ्तों पहले ही इस पर एक वीडियो बनाकर बताया था कि स्टार प्लस के हिसाब से ये जो शो है रेड स्कैनर है, रेड स्कैन हुआ या नहीं हुआ है वो हमें नहीं पता था कन्फर्मेशन। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस पर अपडेट्स देता रहूँगा। तो दोस्तों, उसी पे ये हमें एक और छोटा सा अपडेट मिला है कि चीकू की मम्मी दूर की, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ऑफेयर जा सकता है, डेंजर में है। अब फाइनली शो ऑफेयर जा रहा है। शो को शुरू होते हुए कुछ काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, शो कुछ ही पहले हुआ था, लेकिन अब कंफर्म, पूरा कंफर्म नहीं है कि आखिर शो ऑफेयर जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, बस अभी चैनल के लिए रेड स्कैन है और ये जल्दी आने वाले दिनों या हफ्तों में या महीनों में ऑफेयर जा सकता है। अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रेड स्कैन हर है स्टार प्लस चैनल पे। तो दोस्तों, स्टार प्लस जितना एक्सेप्ट कर रहा था ये शो उतनी टीआरपी नहीं ला पाया। तो दोस्तों, स्टार प्लस जीरो, ये शो हर वीक 0.78 के आसपास की हर वीक टीआरपी लाता था, लेकिन अब शो जितना स्टार प्लस इसे एक्सेप्ट कर रहा था उतनी नहीं लाए, जिसके कारण अब स्टार प्लस इसे ऑफर कर सकता है। तो दोस्तों, अपनी राय नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, चीकू की मम्मी दुर्गी को ऑफर होना चाहिए या नहीं चाहिए। हम अपनी राय बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार प्लस की सारी मेजर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।